तो देखो यार, आज ही हॉटस्टार के ऊपर एक नई इंडियन कोर्टरूम ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया जिसका नाम है द ट्रायल, जिसके अंदर आपको काजोल देखने को मिलने वाली है। और ये शो हॉलीवुड की एक टीवी सीरीज द गुड वाइफ का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। और मैंने इस शो को कम्प्लीटली वॉच कर लिया, तो मुझे कैसा लगा और क्या आपको इस शो को अपना टाइम देना चाहिए, आज की इस वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, देखो इस शो की स्टोरी फॉलो करती है न्योनिका सेन गुप्ता को, जिसका रोल इस सीरीज के अंदर काजोल ने प्ले किया है, जो कि पास्ट में लॉयर रह चुकी है बट पिछले 10 साल से उन्होंने लॉ को प्रैक्टिस नहीं किया है। साथ में इसके अंदर उनके जो हस्बैंड है यानी कि राजीव सेन गुप्ता, जिसका रोल इस सीरीज के अंदर जीशु सेन गुप्ता ने प्ले किया है, जिनके ऊपर सेक्सुअल फेवर्स एज ब्राइब लेने के आरोप है, एलिगेशन है। तो इस शो के अंदर एक तरफ आपको उनका केस दिखाया गया और एक तरफ किस तरीके से काजोल जो है वो इतने टाइम से लॉ से दूर रहने के बाद कैसे एज अ लॉयर जो है वो कम बैक करती है, और किस तरीके से जो मीडिया है, जो वहाँ की सोसाइटी है, कैसे उससे वो डील करती है, ये इस शो की स्टोरी होने वाली है। इसको जानने के लिए आपको इस शो को टोटल 8 एपिसोड को देखना पड़ेगा, जिसका रन टाइम जो है 40 मिनट से लेके 45 मिनट के बीच में रखा गया है। और अगर अब इस शो का रिव्यू मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक लाइन में करूँ तो मैं इतना बोलूंगा कि मेरे को ये शो जो है एक एवरेज कोर्टरूम ड्रामा लगा, जिसके अंदर किसी भी केस में बिल्कुल भी डेप्थ आपको देखने को नहीं मिलती है, जिसकी बात हम नेगेटिव पार्ट में करने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं देखो इस शो के पॉजिटिव पार्ट की। तो इस शो का जो पहला पॉजिटिव पार्ट होगा वो होगा इस शो के अंदर काजोल की एक्टिंग, क्योंकि जिस तरीके की उनकी भी रिसेंट शोज में एक्टिंग रही, चाहे आप बात करो लव स्टोरीज 2 की या आप बात करो यहाँ पे, जिस तरीके से काजोल ने एक्टिंग की है डेफिनेटली वो आपको इम्प्रेस करने वाले, क्योंकि स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने न्योनिका का जो करेक्टर है उसको पकड़ा है वो डेफिनेटली आपको इम्प्रेस करने वाला, और आप लिटरली स्क्रीन के ऊपर बंधे रहते। इसके साथ में जिस तरीके से बाकी सभी कास्ट मेंबर्स का काम है उन्हें को डिसेंट लगा। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट होगा देखो वो होगा इसके अंदर आपको जिस तरीके से कोर्टरूम ड्रामा दिखाया गया है, जिस तरीके से उसकी प्रोसीजर्स हो रही है, जिस तरीके से काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके सामने खुल रहे हैं रिलेटेड टू केसेस, वो डेफिनेटली आपको स्टोरी की तरफ एंगेज करके रखते हैं। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट होगा देखो वो होगा इसकी एंडिंग, क्योंकि जिस तरीके से एंडिंग में आते आते ये शो जो है मोस्टली एक ही केस के ऊपर फोकस करने लगता है, और जिस तरीके से आपको एंडिंग का सीक्वेंस दिखाया गया वो डेफिनेटली आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइट करता है, क्योंकि जिस क्लिफहैंगर पे इसको छोड़ा गया है काफी सारे सबप्लॉट्स जो है वो आपको एकदम से इम्पोर्टेंट होते हुए दिखते हैं, तो डेफिनेटली वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। इसके साथ में जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट होगा देखो वो होगा इसके अंदर जिस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज किया गया है, किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हाइप अप करने के लिए वो डेफिनेटली यहाँ पे उस कंडीशन को, उस सिनेरियो को बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। तो अब बात करते हैं देखो इसके नेगेटिव पार्ट की। इसका जो पहला नेगेटिव पार्ट होगा देखो वो होगा इसके अंदर आपको जिस तरीके से जीशु सेन गुप्ता का कैरेक्टर दिखाया गया, मतलब उनका कैरेक्टर जिस भी तरीके से है उसका कोई इतना बड़ा इम्पोर्टेंस इस पूरे शो के अंदर नहीं है, मतलब उनकी इम्पोर्टेंस लिटरली आखिरी एपिसोड में समझ में आती है, कि पहले के 7 एपिसोड में उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई उनके इतने सीन भी नहीं है, लिटरली उनके गिन के 4 से 5 सीन है इस पूरी सीरीज के अंदर। तो मुझे लगता है काफी हद तक और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया जस्ट टू गेट द स्पॉटलाइट ऑन द काजोल्स कैरेक्टर, विच इज लिटरली बैड फॉर ऑल द एक्टर्स। इसके बाद जो इसका अगला नेगेटिव पार्ट होगा देखो जिस तरीके से इसके अंदर हर एक एपिसोड में एक एक केस को दिखाया गया है, मतलब किसी भी केस को, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी क्लाइंट को इतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं किया गया है कि किसी भी जजमेंट पे आपको ऐसा लगे हाँ इसके साथ अच्छा हुआ, इसके साथ बुरा हुआ, मतलब कोई मर भी रहा है तो आपको लिटरली उसके बारे में बुरा फील नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर ये मल्टीपल केसेस को छोड़ के लिटरली एक केस पे फोकस करते, जैसे आपको क्रिमिनल जस्टिस में देखने को मिलता है या आपको जॉली एलएलबी के दोनों पार्ट्स में देखने को मिलता है, वो डेफिनेटली ऑडियंस का जो करेक्टर को लेके इमोशंस है वो डेफिनेटली डेवलप हो पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्टोरी जो है, ये सीरीज जो है उस चीज में लैक करती है। इसके बाद जो इसका अगला नेगेटिव पार्ट होगा देखो वो होगा इस शो का इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक होना, क्योंकि जो कंडीशन आपको इसके अंदर काजोल की दिखाई गई है कि वो उनके जो पति है उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारे के सारे बैंक अकाउंट्स जो है उनको पूरी तरीके से सीज कर दिया गया, लेकिन उनके बच्चे जो है वो अभी भी एक हाई फाई स्कूल में जा रहे हैं, और लिटरली वो मैम जो है वो आईपैड चला रही है, गाड़ियों में घूम रही है, लेकिन उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, बाकी सारे काम वो कर रही है। और अगर आपको एक ऐसा कैरेक्टर दिखाना है जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए, तो जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं,
वो रियलिस्टिक और रिलेटेबल होनी चाहिए और ऑडियंस उससे रिलेट नहीं कर पाएगी। और इन द एंड मैं आप लोगों से बस इतना बोलूंगा कि मेरे को ये एक एवरेज कोर्टरूम ड्रामा लगा। और अगर आप लोगों को जोली एलएलबी 2 जैसी मूवीज देखना पसंद है या फिर आपको क्रिमिनल जस्टिस पसंद आया था तो हो सकता है कि आपको ये निराश करे, लेकिन अगर आप लोगों को लिटरली ड्रामा देखना है तो आप डेफिनेटली जाके इसको चेक कर सकते हो। मैं इस शो को रेट करूंगा 2.5 और 3 out of 5 स्टार। और मैं आप लोगों से बस इतना बोलूंगा कि मेरे को ये एक टाइम पास शो लगा जिसको आप टाइम पास के लिए ही देख सकते हो। तो ये थे मेरे थॉट्स, मेरा रिव्यू अबाउट द शो द ट्रायल, जिसको जाके आप हॉटस्टार के ऊपर चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इस शो को चेक कर लिया है, आपको ये कैसा लगा नीचे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइफ 33।